हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली एक्सलेंस। सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू। 30th जुलाई, 10 डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम हिंदू एडिटोरियल। ओके, सो वी विल स्टार्ट राइट अवे। फर्स्ट वर्ड, एक्चुअली वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है, एक बोन ऑफ कंटेंशन। अब कंटेंशन का जो मतलब होता है वो होता है डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, ये मतलब होता है कंटेंशन का। सो इसी को यूज करके ये फ्रेज बना है, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि किसी झगड़े की जड़ या फसाद की जड़। ओके, ये मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन का। सो एनी सब्जेक्ट और मैटर फॉर विच देयर इज कंटिन्यूस डिसएग्रीमेंट, दैट विल बी उसको अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको प्रेजेंट करने के लिए जो फ्रेज है, उस फ्रेज को आप बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं। ओके, सो फसाद की जो जड़ है, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, झगड़े की जड़, फसाद की जड़, उसको हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। सेकेंड जो वर्ड है हमारा, दैट इज रेजिड्यूअल। अब रेजिड्यूअल का मतलब होता है, हिंदी मतलब अगर इसका मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है बचा हुआ। किसी एक मेजर पार्ट से, किसी एक बड़े क्वांटिटी से अगर कोई एक छोटा सा पार्ट बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल। ओके, सो रिमेनिंग आफ्टर द ग्रेटर पार्ट और द क्वांटिटी हैज़ गॉन, ये बड़ा वाला जो पार्ट है जा चुका है, इसी जो छोटा पार्ट बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल। इसका जो इंग्लिश मतलब होता है, सिमिलर जो वर्ड बोले, रिमेनिंग लेफ्ट ओवर। ओके, और टू सम एक्सटेंट अनयूज्ड, इसको भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ जैसे जो लिखा गया है कि मिस्टर मूली हैज स्टिल रेजिड्यूअल बिटरनेस ओवर मिस्टर दहाल्स डिसीजन टू पुल आउट फ्रॉम हिज प्रीवियस गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पे जो उनका जो बिटरनेस है वो पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, जो उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेजिड्यूअल वर्ड का यूज किया गया है। ओके, से थर्ड जो वर्ड है हमारा, दैट इज अलूड। अब अलूड का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में डायरेक्टली ना बात करके उसको आप उसकी तरफ अगर आप संकेत करें, यू आर इम्प्लाइंग टुवर्ड्स समथिंग। सो उसमें, उस सेंस में अलूड वर्ड का यूज करते हैं। सो टू कॉलिंग अपॉन समथिंग इनडायरेक्टली दैट इज अलूड। ओके, सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें, सो अलूड का मतलब हो जाता है, एक तो होता है सजेस्ट, दूसरा है इम्प्लाई, थर्ड इज मेंशन। दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर अलूड इन इंग्लिश, संकेत करना किसी चीज के बारे में। संकेत करना, ये आपका हिंदी वर्ड हो गया अलूड का। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड, दैट इज डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट मीन्स होता है टू क्वाइट मीन्स पीस, डिस मीन्स नो। सो डिस्क्वाइट मीन्स एनी सिचुएशन विच कॉजेज एबसेंस ऑफ पीस। एबसेंस ऑफ पीस जहाँ भी है उसको हम बोलते हैं डिस्क्वाइट। ओके, अ फीलिंग ऑफ वरी और अनईज। सो चिंता की जो एक फीलिंग है या एक अनईजीनेस का जो भाव है उसको हम
डिस्कॉइड बोलते हैं हिंदी में, अगर इसका बोले तो मतलब इसका होता है बेचैनी होना या चिंता करना। ओके, बेचैनी या चिंता, ये इसके हिंदी में मतलब होते हैं। अ फीलिंग ऑफ वरी और अनईज। सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले डिस्क्वाइट का, सो ये हो जाता है आपका बॉदर और अलार्म और डिस्कम्फर्ट। बॉदर, अलार्म, डिस्कम्फर्ट, दीज आर सिमिलर वर्ड फॉर ऑफ डिस्क्वाइट इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज एनवी, ENVY। एनवी का अगर हिंदी मतलब बोले तो एनवी का हिंदी जो मतलब होता है, दैट इज ईर्ष्या रखना या जलन रखना। सो किसी के पास अगर कोई एक ऐसी चीज है फॉर विच यू डिजायर टू हैव, आपकी इच्छा है कि आपके पास होनी चाहिए बट वो है नहीं, कोई भी चीज़ हो सकती है, दैट इज़ कोई क्वालिटी हो सकती है या कोई एक मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, या कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है। सो अगर इस सिचुएशन में है आप, कि समबडी इज़ हैविंग समथिंग फॉर विच यू डिज़ायर, जिसकी आपको इच्छा थी बट आपके पास वो है नहीं, तो उस भाव के कारण जो ईर्ष्या जो आता है, जो उस भाव के कारण जो एक जेलस का एक रिसेंटमेंट का जो एक फीलिंग आता है, दैट इज नोन एज एनवी। ओके, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में जो हो जाएगा, दैट इज जेलसी। ओके, जेलसी हो जाएगा। दूसरा रिसेंटमेंट, एंड थर्ड वन इज बिटरनेस। सो जेलिसी, रिसेंटमेंट एंड बिटरनेस, ईर्ष्या रखना भाव, ईर्ष्या और जलन का जो भाव होता है वो है एनवी। ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर इसका बोले जेलिसी, सॉरी एनवी का, तो वो हो जाता है जनरोसिटी। ओके, सो हियर द वर्ड इज ट्रेंडिंग, द वर्ड इज इंडिकेटिंग दैट यू आर हेटिंग समथिंग, जनरोसिटी में आप उस बड़ा दिल लेके उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उसका अपोजिट वर्ड हो जाता है जनरोसिटी। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज मायर। यहाँ थर्ड फॉर्म में लिखा गया है, मायर्ड में मायर्ड लिखा गया है। सो मायर का मतलब होता है कि दलदल में फंसना। दलदल में फंसना, ये मतलब होता है मायर का। ओके, सो टू कॉज टू बिकम स्टक इन मड, दिस इज द मीनिंग ऑफ मायर। ओके, एक तो एक ये वर्ब भी होता है आपका और नाउन दोनों भी होता है। सो इसका मतलब दलदल भी होता है और दलदल में फंसना, दोनों भी होता है। ओके, सिमिलर वर्ड अगर आपका इंग्लिश में बोले, सो इसका एक है सिंक, दूसरा है सिंक डाउन, स्टक, स्टक भी एक इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है मायर का। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज कॉन्फ्लेटेड। अब कॉन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि कंबाइनिंग टू इन्फॉर्मेशन और टू आइडियाज इनटू वन, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ के अगर आप तीसरी चीज़ उसको एक कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है कॉन्फ्लेटेड। इसका दूसरा जो मतलब होता है, टू ब्रिंग टुगेदर। ओके, टू बिंग टुगेदर, ये भी एक मतलब होता है कॉन्फ्लेटेड का। ओके, सो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी हिंदी मतलब जो इसका है, दैट इज योग्यता और सामर्थ्य। योग्यता और सामर्थ्य, सो एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और इफिशियंटली, दैट विल, दैट इज कॉम्पिटेंसी। ठीक है, हिंदी वर्ड जो इसका सिमिलर वर्ड
हिंदी वर्ड हो गया आपका योग्यता एंड सामर्थ्य, और इंग्लिश वर्ड सिमिलर अगर इसका बोलें आप तो ये हो जाता है कैपेबिलिटी और एबिलिटी और एक्सपर्टाइज, ये आपके इंग्लिश में वर्ड हो जाते हैं कॉम्पिटेंसी के। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन या चीज के लिए जो झुकाव होता है आपका। ठीक है, सो अ टेंडेंसी ऑफ चूजिंग समथिंग रेगुलरली और बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। सो इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल ऑन चूजिंग समथिंग, अगर आपकी उसको लेके लाइकिंग है, एक टेंडेंसी है कि जो स्पेशल अगर झुकाव है उस चीज के लिए, सो उसको हम बोलते हैं प्रोक्लेविटी। ओके, इसका सिमिलर वर्ड अगर हम बोले इंग्लिश में तो हो जाता है लाइकिंग, लीनिंग एंड टेंडेंसी। हिंदी वर्ड मैंने बताया ही आपको, झुकाव, ये हिंदी मतलब होता है प्रोक्लेविटी का। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फ्रैगमेंटेड। अब ये थर्ड फॉर्म में है, मतलब वर्ड जो है आपका ये है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है खंडित करना। खंडित करना मीन्स ब्रेकिंग इनटू पीसेस, मतलब कोई भी चीज़ है उसको अलग अलग पीसेस में अगर वो डिवाइड हो जा रही है सो उसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। सो फ्रैगमेंट इज़ वर्ब एंड सिमिलर वर्ड अगर आप फ्रैगमेंट का बोलें तो होता है ब्रेक और ब्रेकअप और शैटर। सो ये फ्रैगमेंट के सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी